Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discussed about the application of Bernoulli theorem just like named Venturi meter. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं Bernoulli प्रमेय के एक अनुप्रयोग जिसका नाम है Venturi meter. तो Venturi meter क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर माप सकते हैं, ठीक है ना. ध्यान रखिएगा, Venturi meter एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है और यह ठीक मैनोमीटर की भांति कार्य करता है. तो ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रवाह की दर मापी जा सकती है और यह मैनोमीटर की भांति कार्य भी करती है. तो कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि कोई क्षैतिज नली है जो इस प्रकार से रखी हुई है. मान लेते हैं इसका एक सिरा x है और एक सिरा y है, ये z है, x और z समान है. तो इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है और ये नली क्षैतिज तैयार रखिए. ध्यान रखिएगा, इस नली को ऊर्ध्वाधर मत समझिएगा, ये जमीन पर इस तरीके से रखी हुई है जहाँ y बिंदु है वहाँ पर ये सकरी है और x और z बिंदुओं पर ये चौड़ी है. तो क्षैतिज रखी है और क्षैतिज नली के दो बिंदु हैं, ये एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है. इन बिंदुओं पर द्रव दाब कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है ना. मान लेते हैं कि ये है H1 और ये है H2, तो दोनों में जो ऊंचाइयों का अंतर है H1 माइनस H2 हो जाएगा. अंतर जो होगा उसका मान हम मान लेंगे कि H के बराबर है और ये अंतर मान लेते हैं H के तुल्य, ठीक है ना. ये ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार से ये Venturi meter है और ये ऊंचाई जो है अंतर वाला पार्ट इसको हमने H के तुल्य माना है. क्लियर. तो सबसे पहली बात तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसको ऊर्ध्वाधर मत समझिए. इसको कैसे समझिए, क्षैतिज तैयार समझिए. ये नली है, क्षैतिज रखी है, X सिरे पर ऐसी है और जैसे Y सिरे पर जाएंगे तो ये सकरी हो गई, फिर Z सिरे पर पहले की जितनी होगी जितनी X में थी वैसी चौड़ी है. तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कोई XYZ एक क्षैतिज नली है जिसके x सिरे पर क्षेत्रफल a1 और वेग v1 है और y सिरे पर क्षेत्रफल a2 और वेग v2 है. इन बिंदुओं पर h1 व h2 ऊंचाइयों तक द्रव चढ़ता है, तो दाब जो इनके ऊंचाइयों का अंतर है वो h है. तो हम Bernoulli प्रमेय का यूज करेंगे, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच. मैंने बताया था क्षैतिज तल से ऊंचाई बराबर है तो दोनों ही ये रहेंगी. P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा. ये दाबांतर हो जाएगा डेल्टा पी 1/2 रो, ये आ जाएगा V1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो V2 अपॉन V1 होल स्क्वायर माइनस 1. तो डेल्टा पी दाब क्या होता है HDG, तो ये हो जाएगा H रो जी इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर और ये हो जाएगा देखिएगा A1V1 इक्वल टू A2V2, तो V2 अपॉन V1 का मान आ जाएगा A1 अपॉन A2, ये सांतत्य समीकरण से. तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना. क्लियर. तो अब देखिएगा इसी को सॉल्व कर देते हैं और इसी की सहायता से दोनों बिंदुओं पर हम वेग का मान भी ज्ञात कर पाएंगे. तो ये हो जाएगा 2gh इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 1, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, तो v1 इक्वल टू ये a2 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, इस बिंदु पर हो जाएगा
ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। अब देखिएगा ए वन वी वन इक्व टू ए टू वी टू होता है, तो हमने वी वन का मान निकाल लिया, तो वी टू हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू वी वन, और यहाँ पर ये वी वन का मान रख देंगे, तो ए वन अपॉन ए टू इंटू ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, तो ए टू से ए टू कैंसिल, वी टू इक्व टू आ जाएगा ए वन अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। तो देखिएगा हम दोनों बिंदुओं पर वी वन और वी टू का मान निकाल दिया, और ये क्या है, प्रवाह की दर है। तो ए सिरे पर, एक्स सिरे पर या जेड सिरे पर वी वन यानी प्रवाह की दर क्या है ये, और वाई सिरे पर प्रवाह की दर वी टू, जिसका मान ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस वेंटुरीमीटर की सहायता से द्रव के प्रवाह की दर किसी भी नली में माप सकते हैं। ओके, थैंक यू।